एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम फिर से अपनी जो नेट की क्लासेस थी उसे रिज्यूम कर रहे हैं। बहुत सारा टाइम का गैप हो चुका है, आई नो, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी अपने लिए बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है असाइनमेंट वर्क के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको पता होगा कि कितना सारा बर्डन हो जाता है। बट नाउ आई एम फ्री, तो मैंने सोचा कि ठीक है फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप नेट की बात कर रहे हो, GRF की बात कर रहे हो, आपके माइंड में कुछ चीज़ें फ़िक्स होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप मास्टर्स के बच्चे और अभी आपने जैसे स्टार्टिंग करी अपनी प्रिपरेशन की, आपको उतना नहीं पता है नेट से रिलेटेड, बट आप करना चाहते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जैसे कि आपको मिलेगा क्या अगर आप नेट GRF अपना निकाल भी लेते हो, तो आपको बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको PhD में आपको एडमिशन मिल जाता है अगर आपका सिर्फ नेट हुआ है। अगर आपका सिर्फ नेट हुआ है तो आपको PhD में एडमिशन लेने के लिए बाद में एक क्वालिफाइंग का पेपर होता है, PhD के लिए एंट्रेंस होता है, आपको वो क्लियर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका GRF हो गया तो आप सीधे PhD के लिए इंटरव्यू दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें तो हो गई कि अब आपको पता है कि PhD की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। कि अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर किसी और पोस्ट पे कॉलेज लेवल पे करना है, तो आपको नेट या फिर ये सब चीज़ें चाहिए होती है। रिसर्च पब्लिश करनी है, आपको बुक्स लिखनी है, आपको PhD चाहिए उसके लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये चीज़ का मैसेज कर रखा है कि कौन कौन से बुक्स प्रेफर करनी है। देखो, मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट द बुक्स, क्योंकि जितना आप बुक्स में घुसते चले जाओगे ना, उतना चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएंगी। क्योंकि कोई एक बुक ऐसे स्पेसिफिक नहीं है वेर यू विल गेट एवरीथिंग, यू हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर दैट मैटर। लाइक अगर आप paper 1 कर रहे हो, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि विच वन इज़ गुड इनफ टू रीड। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो। लेकिन paper 2, अगर आप इंग्लिश की बात करते हो, लिटरेचर की बात करते हो, तो paper 2 में ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसको पढ़ के आपका नेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 2 पेपर हैं, एक आपका paper 1 हो गया, ठीक है, paper 1 तो आपका जनरल पेपर है, तो इसमें आपके पास 10 यूनिट्स आती हैं टोटल, और उन 10 यूनिट्स में से आपको सिर्फ कितने मार्क्स मिल, 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 100 मार्क्स होते हैं, 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का मिल जाता है इस पर। देन paper 2 आपका आता है, तो ये आपका पूरा लिटरेचर है। इसमें भी आपके पास, वैसे अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो आपके पास आई थिंक 12 और 13 यूनिट्स हैं। 13 मैं लिख के चलती हूँ, कौन कौन सी वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और इसमें आपके पास 100 मार्क्स होते हैं। तो जब आपके पास यहाँ पे 100 मार्क्स है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये वाली यूनिट जो होती है बहुत ज़्यादा ईजी होती है, पर पर्सनली फॉर मी, मुझे लगा था कि जितनी मेहनत आप यहाँ पे करते हो, हाँ ये चीज़ है कि यूनिट थोड़ी सी ईजी होती है, लेकिन थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द पीरियड, जब आप थोड़ा सा कंटिन्यू करते हो अपनी प्रिपरेशन को, यू विल रियलाइज़ कि इस यूनिट पे ना आपको इतने मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जनरल पूछ लेते हैं। क्योंकि हो सकता है आपने हायर एजुकेशन को अच्छे से पढ़ लिया हो सकता है आपने टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसको अपने अच्छे से पढ़ लिया हो, या फिर रिसर्च का एप्टीट्यूड का जो यूनिट है उसको अपने अच्छे से पढ़ लिया हो, बट स्टिल आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक जनरल बेस आपका होता है, आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें यहाँ पर 100 मार्क्स की ना, तो ये वैसे हार्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें 2 द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई बुक है, किसने लिखी, कब पब्लिश हुई, सीक्वेंस लगाना है, क्या कमेंट है, किसका कमेंट है, ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि रटने वाली चीज़ें, फैक्ट वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स लेना मेरे को लगता है कि इजी पड़ता है। अब इसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए अगर मैं एक बुक रिकमेंड करूँ, तो ऐसा है कि मतलब आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहो या नहीं, तभी भी KVS मदान की बुक है, क्योंकि मैंने भी यही परचेज करी थी, मैंने भी यही पढ़ी थी। मेरे पास आई थिंक इसका जो एडिशन है वो 5th एडिशन था, अब नए एडिशन आ गए होंगे, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो अगर आपको करनी है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको टर्म्स पढ़नी है, लिटरेरी टर्म्स, क्योंकि आपके लिटरेचर के पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं कि ये टर्म का मतलब क्या होता है, ये टर्म किसने कॉइन आउट करी है, या फिर अपार्टहाइड क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सोनेट क्या है, या फिर कोई भी मूवमेंट हुआ था, कोई मूवमेंट था वो क्या था, अगर हम नॉर्मल बात करें यूनिवर्सिटी विट्स कौन से थे, तो यूनिवर्सिटी विट्स तो बहुत ही कॉमन हो गए, लेकिन ऐसे आपके पास बहुत सारे हैं। तो मूवमेंट में कौन से पोइट्स आते हैं, अगर हम बात करें सेल्टिक लिटरेचर में तो उसमें कौन आते हैं, तो आपके पास हज़ारों चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आपको एक बुक मिल जाएगी जिसका नाम है, मतलब बुक का नाम तो अलग है, बुक का नाम है अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये बुक का नाम है, ये है
एमएच अब्राहम की, ठीक है। ये बुक अच्छी है, ये आप पढ़ सकते हो, इसमें बहुत सारा कंटेंट है। आपको देखना है कि आपको रीडिंग मारनी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। देन सेकंड बुक है एक रॉटलेज की है, द रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश। मैं फिर से भी बोल रही हूँ, हैंड राइटिंग में मत जाना, बिकॉज़ अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया पेन टैप पे, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं। बट स्टिल, तो ये दो बुक हैं जो आपके लिए काफ़ी काम की रहने वाली हैं, क्योंकि अगर आप बोलोगे ये वाली बुक, तो इसमें आपको डायरेक्ट आपको 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ग्लोसरी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लिटरेरी टर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसको छोड़ने के बाद अगर आप बात करोगे कि ये जो नीचे वाली बुक है ना, ये वाली हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश, इसमें आपको इंपॉर्टेंस ये है इसकी कि इसमें ना हर एक एज को एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। मेनली ये ब्रिटिश लिटरेचर की बात है, क्योंकि इंग्लैंड की बात होगी इसमें, मेनली ब्रिटिश की बात होगी, बाकी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं 13 यूनिट्स की बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो भी ये हम एक सीक्वेंस में कर रहे थे, तो उसमें वो फ्री मैंने क्लासेस बनाई भी हैं। उसको छोड़ के कुछ काम रह गया था बीच में, बहुत सारा काम रह गया था वैसे, तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे एनीवेज। तो जब आप चैनल पे जाओगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यूजीसी नेट की, उसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देखने को मिलेगा। तो जब आप वहाँ पे जाओ, आप पेपर 2 की प्लेलिस्ट देखना, पेपर 1 पे भी हाँ अभी काम हो रहा है, होगा, बहुत सारा काम उसमें बाकी है, पर स्पेसिफिक मेरा टारगेट होता है कि मैं पेपर 2 को फोकस करूँ, बिकॉज बीइंग एज ए लिटरेचर स्टूडेंट, आप उस एरिया में काफ़ी टाइम रह चुके हो। मेरे लिए ये 5 ईयर्स थे, मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स की, तो 5 ईयर्स हो गए। तो इसके बाद मेरे को लगता है कि लिटरेचर का एक पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे आपकी कमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है, एंड अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करोगे अपने इंटरेस्ट को, तो विल बी रॉक। तो उसमें जब आप जाओगे, तो आप देखोगे आपको मिलेगा ब्रिटिश लिटरेचर का एक कॉलम। ब्रिटिश लिटरेचर में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, 30 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं। लास्ट वीडियो मैंने यूनिवर्सिटी विट्स की बनाई थी, उसके आगे की बहुत सारी यूनिट्स अभी आपको मिलेंगी, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो चैनल को। उसको छोड़ने के बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अभी क्या क्या पढ़ना बाकी है, तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर, बहुत ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हो जाएगा नहीं तो। यस, सो पहले तो आपके पास ब्रिटिश है, राइट? आपके पास ब्रिटिश लिटरेचर है, और ब्रिटिश लिटरेचर भी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो मेन आइडियाज़ होते हैं, मेन ऑथर्स होते हैं, वो यहाँ से पूछ लेते हैं। उसके बाद आपके पास अमेरिकन है, अमेरिकन में इतने ज़्यादा है नहीं, मेनली 55 ऐसी वीडियोज़, अगर मैं बोलूँ तो 55 या फिर 60 वीडियोज़ बनेंगी आपकी, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं बनेंगी। फिर आपके पास पोप हुआ जाता है, पोस्ट कॉलोनियल, इसमें भी आपके 30s के अराउंड वीडियो मिल जाएंगे आपको। एंड देन आपका यूरोपियन है, यूरोपियन लिटरेचर में भी आपको काफ़ी सारा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन में आपका फिर जो भी अमेरिकन, इंडियन, पोस्ट कॉलोनी, इन सबको छोड़ के जो जितने भी लिटरेचर हैं, वो आपके यूरोपियन में कवर होंगे। देन यू हैव इंडियन लिटरेचर, बिकॉज इंडियन लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास मुल्कराज आनंद है, या फिर आर के नारायण है, आपके पास अमिताभ घोष है, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो आपको इसमें मिलेंगे, अमृता प्रीतम है वो इसमें मिलेंगी। देन आपके पास है थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड क्रिटिसिज्म साथ में लिख लेते हैं। देन आपके पास टर्म्स की है, टर्म्स के लिए मैंने आपको बता दिया, ये एएच अब्राहम की बुक काफ़ी अच्छी है, टर्म्स प्लस मूवमेंट के लिए काफ़ी सही है वो, मूवमेंट्स का आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ना है। देन लैंग्वेज, इसीलिए मैं बोल रही थी जब बच्चे MEG की बात कर रहे थे कि MEG 4 को ज़रूर लेना, क्योंकि यहाँ पे आके वो जो लैंग्वेज का आपने MEG 4 पढ़ा होता, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाता है, जो इग्नू के बच्चे हैं, और जो वैसे इग्नू को छोड़ के अगर DU से कुछ बच्चे हैं इसमें, तो उनके लिए तो इजी पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर ये जो लैंग्वेज का पोर्शन है आपने मास्टर्स में पढ़ रखा है, तो ऑब्वियसली आपको इजी पड़ेगा। देन आपके पास इंग्लिश आती है, इंग्लिश इन इंडिया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंडिया में किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट किया गया था। देन कल्चरल स्टडीज़ आती है आपकी, कल्चरल स्टडीज़, एंड देन आपके पास रिसर्च आती है। रिसर्च इतना बड़ा कोई हार्ड टॉपिक नहीं, रिसर्च के क्वेश्चन ईजी होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। हाँ, लैंग्वेज से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आप फिक्स रख के चलो कि पक्का ही पक्का आएंगे। तो ये आपका कुछ मेन मेन सा लिटरेचर पे अगर मैं बोलूँ, तो ये आपका कुछ मेन मेन सा आइडिया था। इसको छोड़ने के बाद तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने लिटरेचर पोर्शन को ही फिर से, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट दैट आई लव द मोस्ट, क्योंकि लिटरेचर में जब आप घुसते हो ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो मुझे भी लिटरेचर पढ़ने में मज़ा आता है, तो आपको भी धीरे धीरे आने लग जाएगा। सो या
दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जो बुक्स बच्चे बोल रहे थे कौन सी उन्हें परचेज़ करनी है, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी परचेज़ करना चाहते हो। अब्राहम की बुक पढ़ लो, रॉटलेज है, एक रेफरेंस के लिए है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसको पढ़ के आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लिटरेचर में बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है। बट फॉर श्योर एक चीज़ की गारंटी मेरी ये है कि अगर आप मेरे साथ इस कोर्स को कवर कर रहे हो यूट्यूब पे या फिर जो भी हो रहा है अभी, मतलब उतना सीक्वेंस में नहीं है, बट स्टिल मैं उसे कोशिश करूँगी मैं सीक्वेंस में डालूँ। अगर आप मेरे साथ इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर रहे हो यूट्यूब पे, तो इस चीज़ की गारंटी मेरी है कि आपको नेट नहीं, आपको GRF मिलेगा। ये चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर आपको GRF नहीं मिल रहा ना, तभी भी आप ये लेके चलो कि आपको नेट तो ज़रूर ही आपके हाथों में होगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी। सबसे पहले हम ब्रिटिश कर रहे हैं, तो ब्रिटिश को ही कंप्लीट करूँगी मैं, इसी को आगे लेके चलूँगी कि पहले यही हो जाए। थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म का टॉपिक मैंने आई थिंक 24 या 30 वीडियोज़ डाल दी हैं। टर्म्स एंड मूवमेंट्स को मैं बीच बीच में करती रहूँगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी है, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें इतना बहुत ज़्यादा लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट एक टर्म है उसको एक्सप्लेन करना है। अगर मूवमेंट है तो उस मूवमेंट में कौन कौन से ऑथर्स या राइटर्स उसमें आपके ऐड होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज में भी इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज में मेन क्या बात की जाती है, लैंग्वेज में बात की जाती है कि जैसे कि सीमेंटिक है, सेमियोटिक है, या फिर मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन इसको किसने दिया था, इसका सिम्बलाइज क्या करता है, तो वो चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईजी है, हार्ड नहीं बोलूँगी मैं उनको, ईजी बोलूँगी। उसकी उसको छोड़ने के बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो इंडियन आपका ईजी पढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपकी एक तरफ आती हैं, और उसको छोड़ के ये सारी चीज़ें आपकी एक तरफ। और वन सेकेंड, जस्ट लेट मी जस्ट रेज इट, या यहाँ पे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक तरफ आती हैं, और इसको छोड़ के आपके जो PYQ है ना, ये सारे एक तरफ आते हैं। जितना फोकस आप इस पर कर रहे हो, आपके पेपर 1 पे, पेपर 2 पे, या फिर इन सब चीज़ों पे, या फिर इन सभी चीज़ों पे, ये जो आपका अब्राहम की बुक है, रॉटलेज की बुक है, इन सब पे कर रहे हो, उतना ही फोकस आपको PYQ पे करना है। अब PYQ आपको कहाँ से मिलेगा, इसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे PYQ हैं। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने उनकी बहुत सारी PDF निकलवा रखी है, मेरे पास प्रिंट आउट है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि अगर आपको PYQ नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं जब भी अगर कोई क्लास ले रही हूँ, मैं कोई भी क्लास अपलोड कर रही हूँ, हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके साथ इस बार मैंने सोचा कि मैं आपको PYQ के क्वेश्चन करवाती चलूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको थोरली आपकी जो लिटरेचर है वो आपको समझ में आ रहा है, थ्योरी आपको समझ में आ रही है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि मैं साथ साथ आपको PYQ से क्वेश्चंस कराती चलूँ। हर क्लास के बाद आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे बात है ना परफेक्शन की बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, आपने लिटरेचर में अपना मास्टर्स नहीं किया है, या फिर ग्रेजुएशन नहीं किया है, कोई भी चीज़ है, कोई भी रीज़न है, ये फिर आपने रेगुलर नहीं किया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि UGC नेट और GRF ना कभी भी परफेक्शन की बात नहीं करता है। हमेशा ये नहीं बोलता कि आपका जो ये गोला है ना, ये जो सर्कल है, पूरा फिल हो, ये कभी इसकी बात नहीं करता। हो सकता है किसी बच्चे को ही सब आता हो, क्योंकि आपने 4-5 साल लगाए लिटरेचर में, आपका लगा लो ये पूरा सर्कल फिल है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी में नहीं रख रहे हो तो आपका पेपर नहीं होगा। तो परफेक्शन की बात नहीं करता है UGC नेट, ये बात करता है आपकी कंसिस्टेंसी की, आप धीरे 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 कितना कर रहे हो। तो आपको इसके लिए प्रॉमिस करना होगा खुद से, मुझसे करने का कोई मतलब नहीं है, आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पे रखोगे, आप सारी क्लासेस लोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप PYQ पे ध्यान दोगे, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा। आपको इससे पता चलता है कि कौन से ऑथर्स हैं जो थ्रू आउट द पेपर्स जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं जो पहले इंपॉर्टेंस रखते थे, अब इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। अगर मैं बात करूँ तो पहले ऐसे प्लेज थे जिनके सिर्फ नाम पूछे जाते थे, एक दो ऑथर्स ऐसे थे जिनके वर्क्स हमेशा आते थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पे क्या है, उनके वर्क्स के नाम ना पूछ के उनके कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। अगर आपको DH लॉरेंस का पता है तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने पेपर्स को देखा, आपने नोटिस किया होगा कि इनके हमेशा ही हमेशा इनके वर्क्स आते हैं, वर्क्स को सीक्वेंस में लगाना। पब्लिशिंग की बात करते हैं, हैमलेट से एक क्वेश्चन पक्की बात है आता है आपका, आपके पेपर में शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके में जेन ऑस्टन की नॉवल्स से कैरेक्टर पूछे जाते हैं, TS Eliot से क्वेश्चन आता है आपके पास। अगर हम कल्चरल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो
जो ऐसी हैं कि वो आती हैं। मैं ऐसे नहीं है कि मैं ये बोल रही कि मुझे सब कुछ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं जिसे सब कुछ पता है, बट स्टिल क्योंकि मैंने वो चीज़ें कवर करी हैं, मैंने उस जर्नी को फेस किया है, तो एक तरीके से वो आपको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपना 6-1 मंथ आराम से लग जाता है आपको, जब आप अपना 1 मंथ लगा रहे हो, पेपर्स को एनालाइज करते हो, आप एक पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हो कि ठीक है ये ऑथर्स आ रही है, ये पेपर्स में टर्म्स पूछी जा रही हैं, तो उस टाइम को मैं आपका शॉर्ट कर दूंगी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने कर रखी हैं। तो मैं सिंपली आपको बता सकती हूँ कि ये इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसकी वेटेज ज़्यादा है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। अगर आप पेपर वन की भी बात करते हो ना, पेपर वन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हो, और जो चीज़ें हैं जिसको आपको फोकस में रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टीचिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, उसमें सारे प्रैक्टिकल बेस आते हैं कि आप किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज करते हो या फिर अटेंड कर रहे हो। ऑलराइट, उसको छोड़ के आपका रिसर्च है, रिसर्च में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन मैक्सिमम पहले आता था, अब का आई डोंट नो आता है या नहीं आता है, क्योंकि मैंने लास्ट जून में दिया था, तो उस टाइम तक था कि एक क्वेश्चन आपका रिसर्च से ही आता था कि आपको रिसर्च की जो साइकिल है वो बतानी है, वो जो उसके स्टेप्स है वो कवर करने हैं। आपका नहीं पता मुझे, पर हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उसके स्टेप्स क्या हैं या फिर आप कौन कौन सी रिसर्च है, उनके नाम क्या है। इतना वो जितना हार्ड दिखता है ना, वो उतना हार्ड है नहीं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी है, या फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी है, ये सब चीज़ें बस दो दो लाइन की चीज़ें हैं, दो लाइन में आप ये ख़त्म हो जाएंगे। बस ये है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो और कहाँ से पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप यहीं पर पढ़ो, आप क्लासेस लो, उसके बाद आप डिसाइड करो खुद से। आप 2-4 क्लास लो, उसके बाद 2-4 क्लासेस के बिहाफ पे आप PYQ को लगा कर देखो आपसे वो निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगर मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मैंने आपको कोई भी थ्योरी पढ़ाई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रोमांटिसिज्म पढ़ा दिया, अब आप उस रोमांटिसिज्म से जाके जितने भी PYQ में क्वेश्चन आए हैं रोमांटिसिज्म से, आप उनको लगा के देखो, अगर आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं तब आप ट्रस्ट करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात होती है, जब आप नेट की प्रिपरेशन करते हो, आप ट्रस्ट करो या ना करो, तो वो आप देख लो, आप पेपर्स को सॉल्व करके देखो, अगर आपको यकीन हो रहा है तब आप रुको, बिल्कुल रुको, मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, तो देखो कोई किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकता, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये टाइम आपका है, आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ से पढ़ना है। अगर आप पे करके पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि पे जब आप करने की बात करते हो तो 6,000-7,000 आपसे चार्ज करते हैं। आई नो, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने भी सोचा था कि मैं पेड किसी का कोर्स ले लूँ, फिर मैंने जाके देखा उस टाइम पर मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं, तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ उस टाइम पे, तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने उस टाइम पे नहीं लिया था, बुक्स खरीदी थी, उनसे उनके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया था। जो भी चीज़ें हैं, एक दो रफली आइडिया के लिए एक आधी बुक्स आती हैं जहाँ पे आपको पूरा लिटरेचर का पोर्शन मिल जाएगा। आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे ना पेपर 2 के लिए, तो आपको कोई भी एक रैंडम बुक मिलेगी, परचेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको हर एक ऑथर से रिलेटेड कुछ तो पता चलेगा ना, थोड़ा बहुत आइडिया लगता चलेगा, और जो इंपॉर्टेंट है उनको आप क्लासेस लेते चलो, तो इससे आपका एक अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। या आई थिंक इतना बहुत है, पेज बहुत गंदा कर दिया है मैंने, बट स्टिल हमेशा ध्यान रखना कि ये परफेक्शन की बात नहीं करता है, कंसिस्टेंसी की बात करता है यहाँ पर, कि कितनी कंसिस्टेंसी आप रख रहे हो, ठीक है। तो हमेशा ही कंसिस्टेंट रहो, अपना काम करो अच्छे से, टाइम आपके पास बहुत सारा है अभी, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, और इसको करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप PhD करो, आप कॉलेज में पढ़ाओ, या फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि फिर आपको स्कूलों में भागने की ज़रूरत नहीं होती, आप थोड़े से साइडलाइन हो जाते हो स्कूल से, जब आप मास्टर्स के बाद आपने PhD करने के लिए सोच रहे हो, या फिर मास्टर्स के बाद आपने नेट JRF कर लिया, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। कोई नहीं बोल रहा ना कि आप DU में जाके पढ़ाओ या फिर JEE में जाके पढ़ाओ, क्योंकि वहाँ पर हमें लेंगे ही नहीं, जब आप उनके पास PhD के बच्चे हैं और एक्सपीरियंस टीचर हैं तो वो उनको लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन इनको छोड़ के भी दुनिया में बहुत सारे कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए DU या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ ब्रिटिश लिटरेचर का पोर्शन, जो मैंने छोड़ रखा था, बीच में गैप कर रखा था, उसे मैं कल से उसे रिज्यूम करूँगी। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब भी मेरी क्लास लो, अगर इस चैनल पर क्लास ले रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि बिना कॉपी पेन के ना कुछ नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो अपने नोट्स, हैंड नोट्स सबसे बेहतर होते हैं, सबसे बेहतर होते हैं। कोई आपको प्रिंट आउट दे देगा ना, वो तो पूरी बुक ही बन जाएगी धीरे धीरे, उसमें क्या फ़ायदा। जब आप खुद लिखोगे ना, चीज़ें दो बार दिमाग में जाती है, एक बार आप लिखते हो, एक बार आप उसे रिवाइज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ें बेटर होती हैं। सो या गुड लक एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।